आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हल करते हैं जो कि दो नंबर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए उदाहरण 13 जो है अपने पास, 2√2 + 5√3 और √2 − 3√3 को जोड़िए। अब इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ने के लिए मैं बीच में क्या कर लेता हूँ, प्लस लगा लेता हूँ। तो ये ऐसा कैसा लिख लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, प्लस √2 − 3√3, क्लियर है। अब देखिए इसके बराबर में, अब आपको पता है जैसे अपन समान चर को ही जोड़ते और घटाते हैं, जैसे एक्स वाला एक्स वाले के साथ जुड़ता घटता है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये √2 इस √2 के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, और ये √3 √3 वाले के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। तो या तो आप इनको साथ साथ में लिख लीजिए, देखिए मैं लिख लेता हूँ 2√2 इसके साथ में इस √2 को लिख लेता हूँ, है ना, प्लस, इसलिए प्लस लगा दिया। फिर ये प्लस, और √3 वाला जो है ये अपन √3 वाले के साथ में लिख लेते हैं, है ना। क्या किया मैंने, √2 वाले को √2 वाले के साथ, ये देखिए √3 वाला √3 वाले के साथ। अब देखिए आप यहाँ से 2√2 कॉमन भी ले सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, या फिर आपको यदि डायरेक्ट आता है तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3√2, है ना। प्लस यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 3 है और बीच में चिन्ह क्या है, माइनस, तो 5 में से अपन ने 3 कम किए तो 2√3 बचा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो 2 + 1 बचेगा, √2 कॉमन आ जाएगा, है ना। और यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए तो 5 − 3 और √3, तो अब देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3√2, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2√3, है ना, यही आना है। तो यही क्या हो गया इसका आंसर। अब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 14 है, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। अब की बार गुणा करना है, तो देखिए बीच में अपन गुणे का चिन्ह, है ना, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके इक्वल्स टू में देखिए संख्या का संख्या से गुणा होगा और अंडर रूट वाले का अंडर रूट वाले के साथ। तो देखिए 6 × 2, है ना, ये तो संख्या संख्या के साथ, और ये √5 × √5, है ना। इन दो को अलग कर लीजिए, इन दो को अलग कर लीजिए आप, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12, और √5 का जब √5 से आप गुणा करोगे तो कितना आने वाला है, 5। देखिए कैसे आने वाला है, √5 × √5, है ना, जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा ये अंडर रूट में, और जोड़ा बनकर पेयर बन के एक बार 5 बाहर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 × 25, 25 को जब अपन वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5, है ना, ये भी सही। फिर अपन यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 12 × 5 = 60, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर है। अब उदाहरण 15 देखते हैं। अब देखिए उदाहरण 15 में 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो देखिए अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, है ना, 2√3। अब इसको डिवाइड करना है इसलिए ये अपॉन यानी कि बटे में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिए, इनको अलग कर लीजिए, है ना, संख्या संख्या को, और इधर रूट वाले अलग कर लीजिए। तो अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, है ना, ये तो कट गया। अब देखिए ये भी कट जाएगा, है ना, या फिर एक स्टेप बढ़ा के इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 × 1 ही में लिख देता हूँ ना, एक ही रूट में 15 × 3। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 4√5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब उदाहरण 16 देखिए, उदाहरण 16, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसके दो भाग पहले हल कर लेते हैं अपन। तो देखिए यहां पर आपको दिया है 5 + √7 और 2 + √5, क्लियर है। देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई, तो इनका क्या करना है आपको, गुणा करना है। तो गुणा करने में ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये रूट वाली संख्या है और इधर भी रूट वाली संख्या है ना, यानी कि ये आपस में जुड़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि ये परिमेय और ये अपरिमेय, इसलिए गुणा करने में आपको क्या करना है, इसको छुपा देना है पहले। पहले आपको क्या करना है, इस 5 का गुणा यहाँ पर भी कर लेना है और यहाँ पर भी कर लेना है। तो देखिए मैं पहले यहाँ कर लेता हूँ, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, प्लस
पाँच का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 √5 है ना, 25 मत कर देना क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय, तो दोनों ऐसे साथ में लिख देंगे। तो 5 का पहले दोनों में हो गया, अब इसको छुपा दीजिए। अब √7 का दोनों में कर लीजिए, तो देखिए पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो √7 का दो में करेंगे तो संख्या को आगे लिख दीजिए और रूट वाली पीछे लिख दीजिए ना। फिर √7 का जब 5 से आप करोगे तो देखिए ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, दोनों संख्या अपरिमेय इसलिए इनका गुणा हो जाएगा ना, तो √7 × √5 है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, अपने पास संख्या है अपने पास 10 + 5 √5 और 2 √7, ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 7 है, इसलिए इनको ऐसे कैसे लिख लेते हैं अपन प्लस। अब देखिए यहाँ पर √ का √ से गुणा हो जाएगा ये संख्या दोनों, तो 7 × 5 हो जाएगा 35। क्लियर है? अब देखिए कोई जुड़ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 7 है यहाँ 35 है और ये संख्या है, इसलिए यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरे भाग में यहाँ पर आपके पास है 5 + √5 और यहाँ पर है 5 − √5। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर √5 है यहाँ पर भी √5 है, यानी कि ये वो वाली सर्वसमिका बन गई a + b और a - b है ना। तो क्या होता है अपने पास फार्मूला a² - b² ये वाला होता है ना। देखिए उल्टा लगा रखा है a² - b² एक बार प्लस एक बार माइनस, यही होता है अपने पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a² a के स्थान पर आपके पास क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस b² b के स्थान पर अपने पास क्या है √5 और इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 5^2 / 25 माइनस √5/2, तो केवल क्या आ जाएगा 5 है ना। कैसे आया देखिए, जब 5 की √5/2 करेंगे तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर वही गुणा करेंगे 5/25 बाहर निकलेगा तो 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जोड़ा बनाकर एक बार 5 बाहर है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ गया है, 25 में से 5 कम किए तो 20, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अपन इसी का तीसरा भाग, अब देखिए यहाँ पर तीसरे भाग में आपको दिया है √3 + √7 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ये इस प्रकार से बन रहा है a + b और इसका होल स्क्वायर है ना। तो क्या होती है सर्वसमिका, a² + 2ab + b² है ना, यही होती है। तो यहाँ पर भी आप ये सर्वसमिका लगा दीजिए, देखिए a के स्थान पर आपके पास क्या है √3, b के स्थान पर √7, तो a² यानी कि √3 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर 2a तो 2 × a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √7, फिर प्लस है तो प्लस b की पावर 2 यानी कि √7 और इसकी पावर 2 है ना। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन आसानी से है ना, ये फार्मूला है ये इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर √3/2, तो मैंने आपको बताया ना √3 × √3 है ना, क्या निकले निकल के आएगा बाहर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 7 = 21, फिर प्लस ऐसे ही इस √7 × √7 करोगे तो क्या बाहर निकलेगा 7। अब देखिए संख्या संख्या के साथ जुड़ जाएगी तो 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10 + 2 √21, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब चौथा भाग देखते हैं, भी सेम यहाँ पर √11 - √7 और ये इधर है √11 + √7। अब देखिए यहाँ पर भी 1 − 1 + यानी कि ये वाली a − b a + b है ना। देखिए सेम है, यहाँ पर √11 यहाँ पर √11 यहाँ पर √7 यहाँ पर √7, इन्होंने क्या किया इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया ना, पहले इधर प्लस था इधर माइनस था। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर वही सर्वसमिका लगेगी a² − b² है ना, तो इक्वल्स टू देखिए a की वैल्यू क्या है √11, तो √11/2 माइनस b की वैल्यू क्या है √7, तो √7/2। तो देखिए अब पावर 2 करेंगे तो बार बार मैं समझा चुका हूँ आपको, इसको 2 टाइम्स लिखोगे आप
तो कितना आएगा 11, है ना। तो ये 11 माइनस इधर ये क्या बन जाएगा 7, है ना। तो 11 में से 7 कम करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। क्लियर है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।